हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीसीडी कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। ठीक है, तो कल हमने जैसे हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, वो हमने पढ़ा था, सीखा था कैसे उसको सॉल्व करते हैं। आज हम उसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। आपको कल तक मैंने एक्सरसाइज 2.2 करवाई थी, आज हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करेंगे और आज हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन कैसे होता है और फैक्टर मेथड कैसे होता है, एक तो फैक्टर थ्योरम क्या होता है। ठीक है, तो चलो पहले हम चलते हैं हम अपना रिमाइंडर थ्योरम जो हमने पढ़ा था उसके रिलेटेड क्वेश्चंस पे। ओके, तो चलिए आपकी एक्सरसाइज नंबर आज हम करेंगे 2.3। एक्सरसाइज 2.3। ओके, इसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट बोल रहा है रिमाइंडर, उन्होंने क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, पॉलिनोमियल दिया है। देखो पी और एक्स, पॉलिनोमियल क्या दिया है उन्होंने, एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये आपको पॉलिनोमियल दिया और फर्स्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे कि x प्लस 1 इस, अगर हम ये वाले पॉलिनोमियल को इस फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं इस, तो फिर इसका क्या आता है, रिमाइंडर क्या आता है, उसने ये पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, रिमाइंडर निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे हम, सिंपली जो इन्होंने हमको दिया है जिसे डिवाइड करना है उसको हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे। जीरो के बराबर पुट कर दिया, एक्स की क्या वैल्यू आ गई, -1। अब कुछ नहीं करेंगे, ये -1 की वैल्यू यहाँ पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, अब पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो क्या होगा, जो भी आंसर आएगा ना वो इसका हो जाएगा रिमाइंडर। जैसे कि देखो एक्स की वैल्यू -1 आई तो पी -1, -1 का होल क्यूब प्लस 3, -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे, -1 का होल क्यूब -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, प्लस 1 इंटू 3 3, और 3 इंटू -1 -1 -3 सॉरी -3, देन प्लस 1, -3 प्लस 3 -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यस, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा 0। फर्स्ट पार्ट देखा आपने कैसे किया, इसी तरह से इसका आप देखिए थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में कराऊंगा, सेकंड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपके लिए होमवर्क है, वो आप खुद करेंगे, इसका थर्ड पार्ट में करवाता हूं। थर्ड पार्ट देखिए आप, क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड पार्ट पॉलिनोमियल यही है लेकिन थर्ड पार्ट में उसने बोला है कि डिवाइड करना है हमको किससे, एक्स से डिवाइड करना है। ठीक है, ये वाला पॉलिनोमियल है, इसको एक्स से डिवाइड करेंगे। ठीक है, एक्स से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, देखो मैंने क्या कहा था, जीरो के बराबर पुट करो और इसमें जीरो ही आ रहा है। ठीक है, अब जीरो आ रहा है, जीरो की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो पी 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो का होल क्यूब प्लस 3 जीरो का होल स्क्वायर, ओके, देन प्लस 3 इंटू 0 प्लस 1, जीरो का जीरो प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस 1। इसका आंसर आ गया कितना, 1। रिमाइंडर कितना आ गया, क्या समझ में आया कि मैं क्या समझा रहा था,
बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना है। जिससे भी आपको, देखो जो आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, पॉलिनोमियल को जिस चीज से डिवाइड करना है, जिस भी नंबर से या जिस भी नंबर, मतलब पूरा सेंटेंस से डिवाइड करना है, कुछ नहीं करना है, उसको इक्वल टू जीरो पुट करो, उसमें से एक्स की वैल्यू निकालो, उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो भी आपका आंसर आएगा वो रिमाइंडर हो जाएगा। यहाँ पे जीरो आया तो जीरो रिमाइंडर हो गया, वहां पे वन आया तो वन रिमाइंडर हो गया। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन। ओके, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, देखिए क्या पूछ रहा है वो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या पॉलिनोमियल का दिखा दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पॉलिनोमियल उसने दिया है, देखो एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस ए प्लस सिक्स एक्स माइनस ए, ठीक है। और क्या पूछा है उसने कि ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड किससे करना है, हमको एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है, एक्स माइनस ए से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा, इससे ये पॉलिनोमियल है, इसको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। देखते हैं क्या कहा था, पहला स्टेप क्या है आपका, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो रखो, एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए, और इसको रख दो पॉलिनोमियल में। तो पॉलिनोमियल में रखा तो पी ए इक्वल टू ए का होल क्यूब माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सिक्स ए माइनस ए। ओके, इसके बाद देखो सॉल्व करेंगे, ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस सिक्स ए माइनस ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, सिक्स ए से ये गया फाइव ए, तो पी ए क्या आ गया आपका, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या, रिमाइंडर क्या आ गया, फाइव ए। सिंपल था, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, उसने बोला है कि क्या फैक्टर है कि नहीं, ये चेक करना बस। चेक वेदर, फैक्टर चेक करने से पहले मैं आपको बता दूं फैक्टर चेक करने का रूल क्या होता है। देखिए इसमें थर्ड, जो थर्ड आपका फोर्थ क्वेश्चन, जी हाँ थर्ड क्वेश्चन जो पूछा है एक्चुअली वो फैक्टर फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है। तो रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने से, खत्म कर दिया है हमने, अब उसके रिलेटेड क्वेश्चंस कर लिए, आपके लिए होमवर्क है कि बाकी जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो आप खुद करेंगे ट्राई। हम चलते हैं अब फैक्टर थ्योरम के बाद, फैक्टर थ्योरम समझाने के बाद आपको ये वाला क्वेश्चन मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन कराऊंगा। जी हाँ थर्ड नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि थर्ड नंबर क्वेश्चन में उसने फैक्टर पूछा है कि क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, और फैक्टर हमको फैक्टर थ्योरम पढ़ने के बाद पता चलेगा, पर उसने क्वेश्चन पहले पूछ दिया है। तो चलिए फैक्टर थ्योरम पढ़ते हैं, हम इसको मिटा देता हूँ। ओके, 2.3 आपकी कंप्लीट होगी, एक क्वेश्चन रह गया, वो फैक्टर थ्योरम से रिलेटेड है, वो मैं आपको अभी फैक्टर थ्योरम पढ़ा के फिर बताऊंगा। देखो फैक्टर थ्योरम आपका क्या कहता है, आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था कि जिससे आपको डिवाइड करना है उस वो वाले जो फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन लिखा हुआ है जो, ठीक है, वो वाला जो आपका लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, छोटा वाला जो छोटा पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कम होती है, उससे जिससे आप डिवाइड करते हो दूसरे पॉलिनोमियल को, उसको जीरो के बराबर रखते हैं, उससे एक्स की वैल्यू निकालते हैं, उसको वैल्यू पुट करते हैं, जो आंसर आता है वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। ये हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम जो आपको बताया था। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो जो छोटा वाला नंबर, मतलब आपको दिया हुआ है, ठीक है, वो क्या हो जाता है फिर, वो उसका फैक्टर हो जाता है, ठीक है, समझ गए आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो चलो इससे रिलेटेड जो आखिरी क्वेश्चन था वो करके देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका एक्सरसाइज 2.3 का, ये पूछ रहा है कि 7 + 3x जो है, 7 + 3x क्या है, फैक्टर है कि नहीं है, इज ए फैक्टर ऑफ किसका, 3x3x³ + 7x, 3x³ + 7x। मेथड दो हैं, एक तो आपको बता दिया मैंने फैक्टर थ्योरम, उसमें क्या था कि रिमाइंडर अगर जीरो आ जाए, मतलब रिमाइंडर हमको फाइंड आउट करना आता है ना, तो देखिए सॉल्यूशन, पहले हम रिमाइंडर निकालेंगे इसका, 7 + 3x = 0 रखा, 3x = -7, x = -7/3, समझ गए, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, तो ये हो गया आपका, ये आपका पॉलिनोमियल है ना px। अब आपको निकालनी है किसकी वैल्यू, p - 7/3, p - 7/3 = 3 × -7/3 का होल क्यूब प्लस 7 × -7/3। ठीक है, समझ गए, यही आ रहा है, इसको सॉल्व करो, देखो क्या जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, देखते हैं सॉल्व करके, 3 × -7 × 7 × 7, माइनस तो आएगा, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 1 बार माइनस आ गया, × 3 × 3 × 3, 1 3 से 1 3 खत्म, प्लस 7, यहाँ आ जाएगा माइनस 7 × 7/3। ओके, अब कुछ नहीं करना है, -7³/3² -7² / 3, ठीक है, अब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 और यहाँ पे × 3, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, आपके लिए आसान हो जाएगा इसीलिए, तो -7³ - 7² × 3/3² सिंपल था, इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये बहुत लंबा चौड़ा आ जाता है, मतलब जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो ये क्या है, फैक्टर नहीं है, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। आसान था क्या, क्या हमने क्या फाइंड आउट किया कि उसका जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर नहीं आ रही है, रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, तो ये जो दिया हुआ है ये इसका मतलब क्या कहते हैं, फैक्टर नहीं हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम आपकी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होती है, अब हम चलते हैं फैक्टराइजेशन बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, ओके, आपका डायरेक्ट चलते हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट पे। ठीक है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे पहले बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, देन जो आपको फैक्टर थ्योरम बताया उससे। लॉन्ग डिवीजन मेथड वही मेथड होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम में भी हम डिवाइड जो लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, लेकिन उससे काफी लेंथी हो जाता है इसीलिए हम वही नहीं यूज करते हैं। आ जाइए एक्सरसाइज 2.4 पे, आपको मैंने पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता दिया है, एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 आपसे क्या पूछा है, मेनली उसने पूछा है कि फैक्टर्स पूछे हैं, फैक्टराइजेशन पूछी है, फैक्टराइजेशन भी मैं आपको इसमें बता दूंगा बाय क्वेश्चंस। ठीक है, और आपको थ्योरी इसकी सारी पढ़ा चुका हूं मैं, और चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसने पूछा है कि कौन सा पॉलिनोमियल का फैक्टर है x+1, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है उसने, x+1 किसका फैक्टर है, ये किसका फैक्टर है,
आपका फर्स्ट पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। फर्स्ट पार्ट आपका क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये पूछ रहा है कि क्या ये जो दे रखा है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो आपको क्या बताया था मैंने, x प्लस वन को जीरो के बराबर पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वन। पॉलिनोमियल आपको क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, p की वैल्यू माइनस वन पुट कर देंगे, माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। प्लस वन से माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन, जीरो आ गया। तो जी हाँ, मैंने क्या बताया था, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए, अगर रिमाइंडर आपका जीरो आ जाए, अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो क्या होगा, जो आपको दिया है जिसका फैक्टर चेक कर रहे हो उसका फैक्टर हो जाएगा। फैक्टर मतलब क्या होता है, उससे उससे अगर जैसे मान लीजिए नाइन है, नाइन का फैक्टर क्या क्या होगा, थ्री और थ्री, दो ही फैक्टर होंगे और प्लस और एक वन भी होगा। वन नाइन के फैक्टर क्या होगा, वन थ्री और नाइन, तीन फैक्टर होंगे नाइन के बस। ठीक है, नाइन इंटू वन हो सकता है, थ्री इंटू थ्री हो सकता है। ठीक है, बस यही फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं उसको, जैसे 25 का ले लीजिए, 25 का फैक्टर क्या होता है, 5 और 5 या 25 और 1। 25 इंटू 1 25 होता है, 5 5 सर 25 होता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स तो नहीं होते। जैसे हम 10 के ले लेते हैं, 10 का क्या होता है, 2 इंटू 5, 10 इंटू 1, दो ही फैक्टर होते हैं। ठीक है, इसी तरह इसके फैक्टर्स निकालें, इसका फैक्टर्स में ये इसका एक मल्टीपल है, मतलब ये वाला इसका एक मल्टीपल है। कोई ऐसा टर्म आ रहा है जिससे इसको मल्टीपल कर मल्टीप्लाई करने पे ये वाला आंसर आ रहा है आपका। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे मेरे को लगता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपको कह रहा है एक्स फोर एक्स थ्री एक्स टू एक्स प्लस वन। सेकंड पार्ट का क्या कह रहा है आपको, एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। चार तीन दो एक एक, चार तीन दो एक एक। ठीक है, x की पावर फोर, थ्री टू वन और वन। पूछ रहा है क्या ये वाला जो आपको दे रखा है x प्लस वन पॉलिनोमियल, ये उसका फैक्टर है कि नहीं है। बस इतनी सी बात है। तो चेक करते हैं, x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट किया था, x प्लस वन इक्वल टू जीरो पुट किया था तो x इक्वल टू माइनस वन आया था। तो पी एक्स इक्वल टू क्या है, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर फोर है प्लस एक्स की पावर थ्री है प्लस एक्स का स्क्वायर है प्लस एक्स है प्लस वन है। तो पी की माइनस वन में क्या हो जाएगा, पी माइनस वन के बराबर रखें तो माइनस वन का होल की पावर फोर प्लस माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। सॉल्व करेंगे तो माइनस वन का पावर फोर में आ जाएगा वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा प्लस वन, प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन, आंसर आ जाएगा आपका वन। तो इसका फैक्टर नहीं होगा एक्स प्लस वन, सेकेंड वाले का फैक्टर नहीं होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट आप खुद करेंगे, फोर्थ भी खुद करेंगे। अब देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, इसमें हमको फाइंड आउट करना है, एक पॉलिनोमियल दे रखा है और दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक की डिग्री ज्यादा एक की डिग्री कम है। हमको फाइंड आउट करना है कि जो ज्यादा डिग्री वाला है, जो कम डिग्री वाला है, वो ज्यादा डिग्री वाले का क्या फैक्टर है कि नहीं है, बाय फैक्टराइजेशन फैक्टर, हाँ बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम जो बताया था वैसे ही है, वैसे ही हुआ। चलो चलते क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। लॉन्ग डिविजन मेथड आपको बताया नहीं यार, लॉन्ग डिविजन मेथड भी बताना है। चलो देखते हैं, पी एक्स
चलो ये आपको वैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से नहीं करवाना है, चलो मैं करवा देता हूँ आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करवा देता हूँ, लेकिन एक क्वेश्चन आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कॉन्सेप्ट क्या है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, हमारे पास पॉलिनोमियल है क्या, टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। दूसरा आपको क्या पॉलिनोमियल दिया है, जी एक्स एक्स प्लस वन। आपको फाइंड आउट करना है कि जी एक्स फैक्टर है पी एक्स का, नहीं है, है कि नहीं, जी एक्स पॉलिनोमियल पी एक्स पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है, बस यही फाइंड आउट करना है आपने, ठीक है। तो चलो चलते हैं करते हैं, क्या बोला था आपको पहले सॉल्यूशन में क्या करने को बोला था, जी एक्स मतलब कि एक्स प्लस वन को जीरो के बराबर पुट करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, तो इसको पॉलिनोमियल में पुट करो, पी माइनस वन इज इक्वल टू टू माइनस वन का होल क्यूब प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस टू माइनस वन का मल्टीप्लाई फिर माइनस वन, तो माइनस वन का होल क्यूब माइनस वन होगा, टू माइनस वन माइनस टू, फिर माइनस वन का होल स्क्वायर वन प्लस वन, फिर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू एन माइनस वन, माइनस टू माइनस प्लस टू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये जो होगा फर्स्ट पार्ट में ये हो जाएगा इसका फैक्टर। अब इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं, इसी क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड कैसे करते हैं, देखो एक्स प्लस वन डिवाइड बाय टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब हम करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड आपका क्या कहता है, देखिए सबसे पहले यहां पे देखिए और ये देखिए सबसे बड़ी डिग्री को देखिए, इस चीज को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सही है, मतलब टू एक्स क्यूब आ जाएगा, तो सॉल्यूशन होगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या हो जाएगा, टू एक्स क्यूब, देन वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नीचे इनके साइन चेंज कर देंगे, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, यहां माइनस कर देंगे यहां माइनस कर देंगे, अब टू एक्स क्यूब प्लस में ऊपर नीचे माइनस में होगा कैंसिल हो गया, अब यहां पे माइनस टू एक्स स्क्वायर है यहां पे प्लस एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर है, तो माइनस टू प्लस वन क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी टर्म्स नीचे आ जाएंगे टू एक्स माइनस वन, ठीक है। अब देखिए वहां पे एक्स प्लस वन है यहां पे माइनस एक्स स्क्वायर है, कुछ नहीं करेंगे माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर देन वन इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, ओके देन साइन चेंज सेम ये कैंसिल, माइनस टू एक्स से एक्स क्या क्या आ गया, माइनस टू एक्स से प्लस एक्स गया तो माइनस एक्स आ गया, देन माइनस वन कुछ नहीं करेंगे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ गया, रिमाइंडर आ गया जीरो, यही निकालना था आपको, ठीक है यही निकालना था। अब देखिए लॉन्ग डिवीजन मेथड कितना लंबा है, रिमाइंडर में कुछ नहीं किया, इसकी वैल्यू निकाली एक्स की वैल्यू निकाली, उसको पॉलिनोमियल में पुट कर दिया, अगर आंसर आपका जीरो आ गया तो वो रिमाइंडर है, नहीं तो वो रिमाइंडर नहीं है, आसान है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के बाकी के पार्ट मतलब सेकंड थर्ड और फोर्थ अगर है तो, हाँ फोर्थ है नहीं थर्ड तक आप खुद करेंगे, इससे एक्सरसाइज 2.4 चल रही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्लियर हो चुका है, बाकी के आपको होमवर्क में करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होमवर्क में करेंगे आप, प्रैक्टिस देखो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है, ये सब देख के और समझ के नहीं आ जाता, आप प्रैक्टिस करो
अगर कोई प्रॉब्लम आती है मुझे शेयर करो, मैं आपको बताऊंगा, उसका आंसर वापस रिप्लाई करूंगा, जरूर करूंगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस मत छोड़ो, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट परफेक्ट, तो वही यहाँ पे लागू होता है। मैथमेटिक्स पे आपको फोकस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो सब कुछ मतलब पानी की तरह याद हो जाएगा, दिमाग में घुस जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। आपको की की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड की, की वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन अब उसने बोला है कि x माइनस वन जो है वो फैक्टर है, फैक्टर किसका, पॉलिनोमियल का, जो उसने दे रखा है फर्स्ट पॉलिनोमियल, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। इसका भी एक पार्ट, इसका भी एक पार्ट मैं करा दूंगा, बाकी के तीन पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है। आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, फैक्टर दे रखा है, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर दे रखा है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, पॉलिनोमियल फैक्टर। उसने बोला है कि ये इसका फैक्टर है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा, हर केस में जीरो आएगा, ठीक है। तो फैक्टर आपको दे रखा है, तो क्या करेंगे, x माइनस वन इक्वल टू जीरो, x की वैल्यू आ गई वन, हर केस में पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, तो p की वैल्यू p और p वन पर पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, तो वन का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ठीक है, ये इक्वल टू जीरो रहेगा। अच्छा यहाँ पे x नहीं आएगा, वन आ जाएगा, इक्वल टू जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, इसका रिमाइंडर जीरो ही आएगा, वन प्लस वन इक्वल टू के, मतलब वन प्लस के इक्वल टू जीरो, तो वन प्लस वन टू हो गया, टू प्लस के इक्वल टू टू प्लस के इक्वल टू जीरो, तो k की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू। आसान था, कुछ भी नहीं था, इसके बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे और के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। वैल्यू फाइंड आउट करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा है इसका। आप देखते हैं, हम देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा फैक्टराइजेशन आपका मेथड रहेगा ना, मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बाय फैक्टर, फैक्टर थ्योरम, बाय फैक्टर थ्योरम हमने फाइंड आउट कर दिया। अब फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, जो कि स्प्लिट मेथड है, फैक्टर स्प्लिट मेथड है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। ये वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे को बताएं, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर करें, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ठीक है। मुझे लगता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। थैंक यू, कल की वीडियो में वापस मिलेंगे आपको, ओके।